पीएम मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ बातचीत, एयर इंडिया एयरबस डील पर हुई वार्ता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू, कर्नाटक राजस्थान एमपी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनाने का किया दावा। बीबीसी के दिल्ली मुंबई ऑफिस पर आईटी का सर्वे, सीएम गहलोत ने साधा केंद्र पर निशाना, कहा मोदी सरकार कर रही जांच एजेंसियों का दुरुपयोग। अरसद मदनी पर जमकर बरसे गिरिराज सिंह, बोले जिन्ना की सोच वालों को बंटवारे के समय पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए भूकंप से तबाही जारी, मरने वालों का आंकड़ा 36,000 के पार पहुंचा। महाशिवरात्रि पर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन होगी रोशनी से जगमग, सरयू नदी के घाट पर जाएंगे 21 लाख दिए। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने राज्यपाल कलराज मिश्र से की मुलाकात, राजभवन पहुंचकर की शिष्टाचार भेंट। मुख्यमंत्री गहलोत ने 12वें महावीर निःशुल्क पशु पक्षी अस्पताल मोबाइल ट्रोमा सेंटर का किया शुभारंभ, कहा सरकार ने गौसेवा नंदीशाला के लिए अनुदान दिया। सीएम गहलोत का डूंगरपुर दौरा, पुनाली में भागवत कथा में की शिरकत, सीपी जोशी और डोटासरा रहे साथ। सीआई विष्णुदत्त सुसाइड केस में सीबीआई कोर्ट ने लिया संज्ञान, विधायक कृष्णा पुनिया को जमानती वारंट से किया तलब। जयपुर में जेडीए की कार्यवाही, सांगानेर में 5 मंजिला अवैध बिल्डिंग को किया सीज, वहीं चोमू में 8 बीघा भूमि पर हटाया अतिक्रमण। नागौर साइबर थाना पुलिस की कार्यवाही, ऑनलाइन ठगी मामले में आरोपी को कर्नाटक से गिरफ्तार किया, 3 बैंक खातों से 17,63,000 रुपए पार किए थे। डूंगरपुर में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला, स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई। जैसलमेर में एसबी के पीजी कॉलेज में परीक्षा सेंटर में हंगामा, छात्र संघ अध्यक्ष और पुलिस में हुई झड़प। धौलपुर में कार सवार बदमाशों ने किया छात्र का अपहरण, पुलिस ने पीछा कर छात्र को कमरे से किया दस्तयाब। राजसमंद के नाथद्वारा में बस ट्रक में हुई भिड़ंत, दुर्घटना में बस सवार करीब 1 दर्जन यात्री घायल। बांसवाड़ा के राजतालाब थाने में आरोपी की आत्महत्या का प्रयास करने का मामला, पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने 3 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। रायपुर में पुलिस ने अवैध डोडा चूरा परिवहन करती कार को पकड़ा, 1 तस्कर को गिरफ्तार किया, वहीं 1 तस्कर फरार। झुंझुनू के खेतड़ी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, भाई भाभी ने छोटे भाई की 4 बार हत्या करने का प्रयास किया, आरोपी गिरफ्तार। भरतपुर के गामा में हथियार के बल पर नाबालिग बालिका से गैंगरेप, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जैसलमेर के लाठी में व्हाट्सएप और फेसबुक आईडी हैक करने का सिलसिला जारी, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों से कार्रवाई की मांग। बाड़मेर के सकरोड़ा गांव में हादसा, पानी के टांके में डूबने से भाई बहन की मौत। धौलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, इनामी बदमाश हरिकिशन जगरिया को किया गिरफ्तार। जयपुर में ग्रेटर नगर निगम की ओर से स्वच्छता दौड़ का आयोजन, प्रथम आने वाले महमूद खान को 21,000 रुपये का मिला पुरस्कार। शेयर बाजार का कारोबार शानदार तेजी के साथ हुआ बंद, 600 अंकों की उछाल के साथ सेंसेक्स बंद। श्रेयस्थल पड़ेगी 2012 में रिलीज फिल्म पर मचा बवाल, फिल्म में एक सीन में ओम वाले स्टिकर पर रखा था पांव, श्रेयस बोले गलती हो गई। समांथा रूथ प्रभु ने मुरुगन मंदिर में किए दर्शन, अपनी फिल्म शाकुंतलम की सफलता के लिए की प्रार्थना। गुरुदत्त की बहन ललिता लाजमी का हुआ निधन, 90 की उम्र में किया दुनिया को अलविदा। खेसारी लाल यादव की फिल्म संघर्ष 2 का टीजर हुआ आउट, फैंस फिल्म के टीजर को काफी कर रहे पसंद। पाकिस्तान सुपर लीग से शाहीन अफरीदी की शानदार वापसी, डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान को 1 रन से हराया।